जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ग्रुप के न्यू सिलेबस के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप 2023 के न्यू सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जहाँ पे आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश यानी तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है एक्स ग्रुप का, जो भी आपका टेक्निकल ग्रुप होता है एयरफोर्स का, उसका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपने जाके देख ही लिया होगा कि ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है कि अगर आप एक साथ अगर एयरफोर्स के सिलेबस को देखना चाहें, चाहे आप एक्स ग्रुप के चाहे आप बाई ग्रुप के, अगर एक साथ सिलेबस को देखना चाहें तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और आपको नहीं मिलता है वहाँ पर। आपको कैसे मिलता है कि आपका मैथ का अलग आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स का आपको अलग देखने को मिलेगा और इंग्लिश का आपको सिलेबस अलग से देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ा सा एक काम किया कि तीनों सिलेबस को एक में ही मर्ज करके आपको समझाने के लिए, जिससे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, 3 से 4 आपको PDF अपने पास ना रखनी पड़े कि इसमें सिलेबस क्या है, क्या है इसमें क्या है, तो मैंने एक ही पूरी PDF में आपका सिलेबस पूरा कवर किया है। जो भी आपका ऑफिशियल न्यू सिलेबस रहने वाला है आपका एक्स ग्रुप 2023 के लिए, वो खुद ही अग्निपथ स्कीम के लिए जारी किया गया था CSB की तरफ से, वो आपको यहाँ पर सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, जो भी आपके पॉइंट्स रहने वाले। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एयरफोर्स के ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर, और ये जो PDF है आपको, जो एयरफोर्स का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस है इसको आप किस तरीके से देखेंगे। देखिए पूरा एक ही मैं आपको पूरा यहाँ पर पूरा फिजिक्स तक कंप्लीट कर दिया। ये आपकी फिजिक्स रही, इसके अगर ऊपर जाएंगे तो आपको ये मैथ रही, और इसके अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपको इंग्लिश, यानी कि तीनों आपका जो सब्जेक्ट है वो एक ही में कवर कर दिया। तो ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारे पे मिल जाएगी, उसको अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको क्या कि वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत है और अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, उससे कोई ये नहीं कि आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अगर करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना ज्वाइन किए हुए, मैं इतना नहीं बोलता कि आप ज्वाइन करिए, आप वहाँ पर बिना ज्वाइन किए ही अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अपना अपलोड कर दूँगा सिलेबस, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जिसमें आपका फ़ायदा हो, उसमें मेरा कुछ नहीं, आपका भी उसमें फ़ायदा होगा अगर वहाँ पर आप जाके सिलेबस को देख लेंगे और अच्छे से अपने उसको एनालिसिस कर लेंगे सिलेबस को। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक एक पॉइंट को अगर आपको समझाऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपको सामने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपका इंग्लिश का सिलेबस, इसको आप देख सकते हैं, जो आपसे पूछा जाता है उसको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए पैसेज आपसे पूछा जाएगा, जो किस टाइप से है आपका, 3 टाइप से आपका पैसेज पूछा जाता है, जो आपके 3 सामने आपकी लाइन से वगैरह है, तो पैसेज आपका पूछा जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस बार ग्रामर में आपसे क्या पूछा जाएगा, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी आपसे वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले यहाँ पर आपके पूरे लिखे हुए, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि तीनों डिग्रियाँ आपकी रहने वाली हैं। एरर है आपके टेंस से रिलेटेड, आपके वर्ब से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपसे आएंगे। ग्रामर का जो सेकंड पोर्शन है उसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका जो एक जिसको आप मान सकते हैं कि जो आर्टिकल वाला पोर्शन है आपका, प्रपोजिशन वाला है, डिटरमाइनर को आर्टिकल बोलते हैं यहाँ पर आपका, इसमें अगर आप कन्फ्यूज हुए हो तो इसको आर्टिकल भी बोलते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए कि आपका आर्टिकल वाला है। डिटरमाइनर्स आपका हो गया, आपका प्रपोजिशन हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन मॉडल्स और आपके जो नाउन क्लॉज वगैरह थे। ये वोकैबुलरी का अगर आप पोर्शन देखेंगे, स्नो एंटो आपके हैं, और ये किस रूप में देखने को मिलेंगे, देखिए भाई टेक्स्ट के रूप में आपको ये इस तरीके से भी मिल सकता है, जैसे आपने NDA वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर ऐसा ऐसा कभी पूछा जाता है। जैसे आपने अगर पैसेज में देखेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से एक आपको लाइन दिया जाता है, वहाँ पर ये आपका कुछ सिनोनिम्स वगैरह लिखा हुआ है तो उसके नीचे अंडरलाइन होगा और उसका मीन आपसे पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे सिनो आएगा, एंटो आएगा, बनवर्ड आएगा, स्पेलिंग जो आपका मिसकेलेनियस होता है, जिसको आप स्पेलिंग करेक्ट छाटिए, इनकरेक्ट छाटिए, इस तरीके से रहता है, और EDM फ्रेज वगैरह जो आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड वगैरह होते हैं वो भी आपके आ सकते हैं। नरेशन देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से आपसे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और ये आपका एक्टिव पैसिव वाला पोर्शन है। इसके नीचे आपका पैराजम्बल अगर आप इसको समझेंगे, और देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपको जो आपका एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा वो किन टॉपिक से पूछा जाएगा, किन तरीकों से पूछा जा सकता है, प्रपोजिशन से, मॉडल से, आपका इन्फिनिटिव से और पार्टिसिपल से, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पैराजम्बल देखिए जो आपका PQRS वाला पोर्शन होता है, ये आपका पैराजम्बल आएगा। इसके बाद चलते हैं हम डिस्कस करते हैं आपके मैथ के सिलेबस को। तो मैथ का सिलेबस देखिए यहाँ पर कितने आपके बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपका लगाया गया है कि जिसमें आपका पूरा टॉपिक, जितने चैप्टर्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि ये छोड़ना है कि ये छोड़ना। एक आप बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता दिया कि एयरफोर्स के लिए बेस्ट है आपके RS अग्रवाल, उसको ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप देखते हैं कि NDA की एक बुक आती है,
NDNA करके एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। उसको ऐसा नहीं कि कुछ इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वो 2D का पोर्शन है, यानी टू डांसर ज्योमेट्री का आपका पोर्शन, और 3D का यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉबलिटी में हो सकती है, लेकिन कुछ आपका ज़्यादा उसमें सिंपली सी आपकी लैंग्वेज लिखी होती है, तो जितना अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो उतनी आपको इंग्लिश समझ में आ जाती है। सेट लेसन फंक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल है आपकी सीक्वेंस सीरीज, एपी जीपी एसपी वाली जिसको आप समझते हैं हिंदी में, तो इसका पता नहीं कि एपी को समांतर और गुणोत्तर है, हरात्मक आ गया ध्यान, तो जो आपकी एपी जीपी वाली रहती है यानी कि जो आपकी सीरीज रहती है सीक्वेंस सीरीज वो है आपकी स्टेन लाइन, ये आपका 2D का पोर्शन है, यानी कि जो आपका 2D का जो पोर्शन रहता है स्टेन लाइन वाला, सर्कल वाला, पैराबोला वाला, तो ये आपका रहता है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो कॉनिक सेक्शन, ये ये आपका स्टेन लाइन अलग से उसमें आएगा 2D में, और यहाँ पर अगर आप देखें सर्कल, सर्कल आपका जो वृत्त रहता है, और कॉनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, हाइपरबोला और आपका एलिप्स वगैरह रहता है, यानी जो आपका ये पोर्शन है 11 नंबर जिसको आप देख सकते हैं कॉनिक सेक्शन, इसमें आपका पैराबोला और हाइपरबोला और एलिप्स तीनों टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे, आपका सर्कल का अलग से आएगा और स्टेन लाइन का अलग से। यानी सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़ने, एक एक पॉइंट डिस्कस कर दिया है। कॉनिक सेक्शन अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज करता है तो मैंने बोल दिया कि कॉनिक सेक्शन में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, पैराबोला हो गया आपका, हाइपरबोला हो गया और आपका एलिप्स हो गया, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त, और सर्कल यहाँ पे आपका पहले से बोल दिया है, और स्टेन लाइन यानी कि जो आपकी सीरीज, स्टेन लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समान स्टेन लाइन जो आपकी सरल रेखा, तो स्टेन लाइन वो आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी, यानी सारे टॉपिक्स को यहाँ पर आपका डिस्कस कर दिया है। उसका अगर आप देखते हैं तो कॉनिक सेक्शन मैंने बोल दिया, थ्री डायमेंशन से बहुत रेयर रहता है कि एक आध क्वेश्चन बाकी हुआ, कभी कभी पूछ लेते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं। मैट्रिक डिटरमिनेंट से आपका एक क्वेश्चन आता है, यानी कि जो आपका आबव्यू और सार्डिक रहता है, लिमिट्स कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंसबिलिटी यानी कि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो आपका रहता है, अपकरण के अनुप्रयोग वगैरह, इंडेफिनिट इंट्रीगल्स हैं आपके, डेफिनेट इंट्रीगल्स, इंट्रीगल्स यानी कि जो आपके इंट्रीगेशन जिसको आप बोलते हैं समाकलन, वो है आपके एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स, यानी जो आपके वगैरह से नहीं कि एरिया अंडर द कर्व से, ये मान के चलिए जो क्वेश्चन आते हैं वो यही तरीके से, यहीं से आपके पूछे एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल से आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन, इसके बाद देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, उसे में आपको वो कोटि घात जो आपको छाटनी होती है वो आपकी, यहाँ पर दोनों 20 और 21 नंबर सेम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका एक ही है। उसके बाद वेक्टर्स होते हैं आपकी, प्रोबेबिलिटी होती है, स्टैटिक यहाँ पर आपसे नहीं पूछी जाती। ये जो आपका 24 नंबर पॉइंट है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करता है कि स्टैटिक आती है, बहुत रेयर है कि आपकी स्टैटिक से क्वेश्चन आए, यानी कि रेयर से भी रेयर बोल सकते हैं कि बिल्कुल माइनस में चांस रहता है, इसका जीरो भी नहीं, माइनस में चांस रहता है कि स्टैटिक से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि आने तो आपके 25 क्वेश्चन ही हैं, और 25 क्वेश्चन आते हैं, दो आपके डेफिनेट डेफिनेटिकल से आ जाते हैं, दो दो क्वेश्चन आते हैं, एक आपका डेरिवेटिव से आ जाता है, लिमिट से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो वहीं से कैलकुलस से ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, तो कैलकुलस का पोर्शन आपके एग्जाम में जाना जाता है, प्रोबेबिलिटी से भी आता है, परम्यूटेशन से, बायनोमियल थ्योरम से, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन भी बताते चलो, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, सिंपली सा यहाँ पर भी आपको डिफाइन कर दिया है, उसके लिए आप भी लुसेंट ले सकते हैं, जो आपकी आती है एयरफोर्स भर्ती परीक्षा लुसेंट की जो आपकी आती है उसको आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों मिल जाती है। और अगर आपको यदि सिर्फ थ्योरी थ्योरी के लिए चाहिए तो आप करतार की बुक भी ले सकते हैं, उसमें आपकी सिर्फ थ्योरी ही रहती है, मैंने दोनों बुक्स आपकी देखी हुई हैं पहले से। तो देखिए आपका जो बीमा मात्रक वाला जो आपका टॉपिक रहता है वो है आपका काइनेटिक्स है, आपका लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, आपका मोशन आपको पार्टिकल रिजर्व बॉडी है, ग्रेविटेशन से आपका यानी गुरुत्वाकर्षण का प्रॉपर्टी, और बल्क मैटर से आपका थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागत की, ऊष्मा वाला जो चैप्टर होता है यहाँ से। और ये मैं आपको टॉपिक लेके आऊँगा, ये जो वीडियो फिजिक्स का मैं यहाँ पर स्पेशली काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैं फिजिक्स के आपको टॉपिक समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है कि थर्मोडायनामिक, यानी कि आपसे यहाँ पर हीट भी लिख सकते थे कुछ ऐसा नहीं, तो हीट अगर आपसे जो पूछा जाएगा तो हीट में कौन कौन से पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 5 से 6 चैप्टर आपके रहते हैं अगर आप देखेंगे तो उनमें से क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो वो मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा कि जिसमें हर एक टॉपिक को आपको समझाने वाला हूँ कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन से है तो ग्रेविटेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है या वो कितनी स्पीड से छोड़ा जाता है, ना आपसे पूछा जाएगा कि पलायन वेग का मान बताइए, क्योंकि ये बहुत एक, ये मान लीजिए कि जो आपकी कोस्ट गार्ड की जो डेवी होती है जिसमें क्लास 10th की आपकी फिजिक्स आती है वहाँ से आपकी ये क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप एयरफोर्स का आप जानते हैं कि लेवल बढ़ चुका है तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे उसके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ऑक्सीलेशन से है आपका, तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका देख लीजिए ऑक्सीलेशन वेव्स है आपका, या उसके नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक्स है आपका, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है यानी चुंबक विद्युत चुंबकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स है आपका, ऑप्टिक्स यानी जो आपका प्रकाश वाला लाइट वाला जो चैप्टर रहता है
और दर्पण वगैरह वो वाला है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रिजिड बॉडी, एटम एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये जो आप चैप्टर देखते हैं ये आपका इसमें जाता है आधुनिक जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स होती है, ये आपका डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह जो आपके जिसको आप बोलते हैं डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक वगैरह ये होते हैं, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप सारी जो आपको सिलेबस को लेकर ये आपको मिल जाएगी, जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे जब भी कोई मैं वीडियो लाता हूँ तो वो आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।